आज का वीडियो है कि मोबाइल फोन एक्सट्रैक्शन के द्वारा पुलिस आपके फोन से कौन सा डेटा रिकवर कर सकती है या करवा सकती है। मर्डर, रेप, छेड़छाड़, करप्शन एक्ट सेक्शन 420, 406 आईपीसी जैसे केसेस में मोबाइल और उसके अंदर का डेटा मुकदमे की निगाह से महत्वपूर्ण हो जाता है। उस डेटा को निकालकर कोर्ट में प्रूव करना होता है, आरोपी उस डेटा को डिनाई करता है। ऐसे मामलों में आमतौर पर दो फोन्स होते हैं, एक शिकायतकर्ता या प्रोसिक्यूशन पार्टी का होता है जिसे वे कोर्ट में प्रूव करना चाहते हैं, और दूसरा आरोपी का होता है जिसका कंटेंट वह आरोपी डिनाई करना चाहता है। ये वो दो फोन्स होते हैं जिनके बीच में कोई प्रश्नगत कम्युनिकेशन हुआ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैसेज को लैपटॉप पर तैयार करके दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल फोन पर भेज दिया गया हो। यह तकनीकी रूप से अधिक पेचीदा स्थिति बन जाती है। जब्त होने के बाद फोन को जब एफएसएल में भेजा जाता है तो वह फोरेंसिक लेबोरेटरी उसमें मौजूद डेटा को अपने सॉफ्टवेयर की मदद से बाहर निकालती है। आपसी नजदीकी के लम्हों में भेजा गया डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद अनेक बार आपको शर्मिंदा भी कर देता है, लेकिन एफएसएल को आपकी शर्मिंदगी से कोई वास्ता नहीं होता। वह पूरा का पूरा डेटा कोर्ट के सामने रख देता है। जो डेटा एफएसएल द्वारा कोर्ट में भेजा जाता है उसको सेक्शन 293 सीआरपीसी के तहत प्रूव्ड मान लिया जाता है, लेकिन यदि आरोपी इस एफएसएल रिपोर्ट के ऊपर उस रिपोर्ट बनाने वाले एक्सपर्ट को क्रॉस करना चाहता है तो अर्जी लगाने से इसकी परमिशन कोर्ट से मिल जाती है। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। सवाल है, एफएसएल आपके मोबाइल का एक्सट्रैक्शन कैसे करता है? जब आप साधारण रूप से अपने मोबाइल को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर स्टार्ट होता है और वह आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात ओएस को निर्देश देता है कि मोबाइल के अंदर स्थित डेटा को वह उस रूप में प्रस्तुत कर दे जैसे कि आप उसकी प्रस्तुति चाह रहे होते हैं। वह ओएस आपके स्टोरेज में उपस्थित डेटा तक पहुंचकर उस डेटा को आपके सामने आपके निर्देश के अनुसार प्रस्तुत कर देता है, जैसे वीडियो को दिखा देता है, फोटो को दिखा देता है, उनको एडिट करवा देता है वगैरह। इसी प्रणाली का लाभ एफएसएल वाले एक्सपर्ट उठाते हैं। वे बूटस्ट्रैप लोडर की स्टेज के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले ही अपना बनाया एक विशेष जासूसी ओएस फोन को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। बूट मैनेजर अब कंपनी द्वारा डाले गए वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले एफएसएल के जासूसी ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू कर देता है। अब मोबाइल के अंदर का डेटा कंपनी के ओएस की बजाय एफएसएल के जासूसी ओएस का निर्देश मानने लगता है। डिवाइस का ओएस कभी शुरू होता ही नहीं है, तो जो भी डिवाइस के ओएस की खासियत थी जैसे आईओएस की, एंड्रॉइड की, सिम्बियन की, विंडोज की, कि वे अपनी विशेषताएं थी, डेटा को छिपा सकती थी, वे सब की सब एक तरफ धरी रह जाती हैं और जांच एजेंसी का विशेष जासूसी ओएस काम करने लग जाता है। यह जांच एजेंसी का विशेष ओएस आपके मोबाइल के डेटाबेस से आपके तरीके से डेटा एक्सट्रैक्शन करता है और कोई अड़चन नहीं आती है। यह जांच एजेंसी का विशेष ओएस आपके मोबाइल के डेटाबेस से अपने तरीके से अपनी मनमर्जी से डेटा एक्सट्रैक्शन करता है, कोई भी अड़चन नहीं आती है। सब मोबाइल को ब्रेक करने का मोटा मोटी यही एक समान तरीका होता है। एफएसएल के इस जासूसी ओएस का वैज्ञानिक नाम होता है यूएफईडी अर्थात यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस। सामने स्क्रीन पर आप इसे लिखा देख रहे होंगे। इजराइल का बना हुआ सेलेब्राइट यूएफईडी सर्वोत्तम यूएफईडी माना जाता है। भारत में अधिकांश एफएसएल प्रयोगशालाएं सेलेब्राइट यूएफईडी का ही प्रयोग कर रही हैं। इसके परिणाम सर्वाधिक संतोषप्रद हैं। शायद ही ऐसा कोई फोन या ऐसी कोई कंपनी वाला ओएस होता है जिसको यह सेलेब्राइट यूएफईडी तोड़ नहीं लेता है।
पहले पहल iOS ने कुछ ऐसे वर्जन दिए थे जिनको तोड़ना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब इसने उसका भी तोड़ खोल लिया है। आप दुनिया के 10 अन्य बेहतरीन UFED का नाम सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तो हमने आपको पहला बताया ही है, सेलिब्राइट UFED। इसके अलावा कुछ और जो 10-11 नाम है वे ये वाले हैं सामने। अनेक प्रयोगशालाएं इनका भी प्रयोग करती हैं। सवाल है कि क्या FSL वाले एक्सपर्ट्स के इस तरीके को मात दी जा सकती है। बहुत से हमारी वेबसाइट के पाठक और YouTube के व्यूअर्स ये पूछते हैं कि क्या मोबाइल एक्सट्रैक्शन के इस तरीके को मात दी जा सकती है। तो एक शब्द में यही उत्तर है कि हाँ, सब कुछ मनुष्य का बनाया हुआ है, अतः उसके लॉजिक को एक पॉइंट पर जाकर तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस तरीके को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग उसको बचाव के लिए नहीं दूसरों के प्रति अपराध करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। यह बहुत बेजा बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपराध या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, पुलिस किसी भी मोबाइल फोन को जब्त करते समय क्या क्या गलतियां करती है जिनका आरोपी बाद में लाभ ले सकते हैं। तो जवाब है, जब पुलिस किसी आरोपी के मोबाइल को जब्त करती है और उसका पुलंदा तैयार करती है तो वह बहुत सारे कानूनों को भंग करती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक जब्त किए जाते समय मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर किया जाना चाहिए, उसको ऑफ नहीं किया जाना चाहिए। एक आधुनिक मोबाइल फोन की जितनी रैम होती है, ऑफ करने से वह सब मेमोरी वोलेटाइल हो जाती है। उच्च रैम क्षमता वाले फोन के साथ यह दिक्कत बहुत ज्यादा होती है और सारा का सारा तात्कालिक डेटा उड़ जाता है। अनपढ़ आईओ माथा पीटता रह जाता है, जबकि होशियार आईओ उसको एयरप्लेन मोड पर कर लेता है ताकि डेटा लॉस ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण कदम, उस मोबाइल फोन का ब्लूटूथ बंद करना जरूरी होता है। यदि ब्लूटूथ बंद नहीं किया गया है तो उस मोबाइल फोन को दूर से ही ऑपरेट किया जा सकेगा और उसकी मेमोरी को पूरा का पूरा या कुछ भाग डिलीट किया जा सकेगा। और यह करने के लिए जो फोन आईओ ने जब्त किया है उसको छूना भी जरूरी नहीं होगा, सब कुछ दूर से ही हो जाएगा। तीसरा कदम है, सफेद कपड़े में मोबाइल फोन का पुलंदा तैयार करना। सफेद कपड़े में मोबाइल फोन का पुलंदा बनाने से उस फोन का उचित इंसुलेशन नहीं हो पाता है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम उस फोन तक पहुंचकर उस फोन को ऑपरेट कर सकते हैं और उसकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं या उसमें कुछ और डाल सकते हैं। तो जब भी फोन का पुलंदा तैयार किया जाना हो तो उसके लिए फैराडे बैग का इस्तेमाल किया जाता है। फैराडे बैग उसे बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पूरी तरह से इंसुलेट कर देता है। उस फोन के साथ कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। अभी जिन परिस्थितियों की बात की गई है उनमें से कोई भी परिस्थिति घटित हो जाए तो वह सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्रभावी बना सकती है। हालांकि केवल कुछ ही कोर्ट्स हैं और केवल कुछ ही एडवोकेट्स हैं जो इस विषय को इतनी गंभीरता से लेते हैं और उसको समझ पाते हैं। कई आरोपी अपने अपने केसेस में कहते हैं कि अमुक बातचीत का सबूत तो पुलिस ने केस के दर्ज होने के बाद थाने में बनवाया था, और यह ऐसा इसलिए हो पाता है कि कोर्ट्स, डिफेंस काउंसिल, प्रोसिक्यूटर सभी लोग मोबाइल फोन एक्सट्रैक्शन के कानून से अनजान होते हैं। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कोलीग, यह आप दोनों के लिए है। आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया हो, गलत मुकदमा डाल दिया गया हो, सरकारी विभाग ने गलत कार्रवाई कर दी हो या नौकरी में गलत इंक्वायरी गले पड़ गई हो, तो इन सब समस्याओं का हल इंडियन लीगल सिस्टम के इस मंच पर मिलेगा। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। परस्पर चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुण बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है, आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।